राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है हमको, जो सेट्स दिए हुए हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको सेट तो समझ में आ जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये गलत ब्रैकेट छप गया फर्स्ट वाला, 3, 6, 9, 12। तो ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका, फर्स्ट देख के पहचान में आ जाता है आपको कि ये 3, 6, 9, 12 है ना, ये रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है अपने को। सेट बिल्डर फॉर्म को अपन कौन सा फॉर्म बोलते थे, प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म अपन किसी के इक्वल लिख लेते, ए के इक्वल लिख लेते हैं, है ना, या इसी को सपोज ए कर लो, इसको इक्वल इज इक्वल टू ए लिख दो, सपोज कर लिए अपन जो गिवन सेट था उसको ए के इक्वल सपोज कर लिया, आगे भी लिख सकते पीछे भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेट बिल्डर फॉर्म ए। अब हमको क्या करना रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है जो ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो ध्यान से एलिमेंट्स को देखो आप, एक दिख रहा 3, एक 6 दिख रहा, एक 9 दिख रहा, एक 12 दिख रहा। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मेरे को 3 का टेबल दिख रहा, आपको भी 3 का टेबल ही दिख रहा होगा। तो इसको एक्स सच देट, ये कोलन लगाना है, एक्स इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं अपन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं n इज अ नेचुरल नंबर, और ऐसा भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब नेचुरल नंबर तो ढेर सारे होते, कितने, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, ये बनेगा भैया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसा देख लो, n की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 1 से बड़ी लेना है, 4 ले सकते हैं, 4 से छोटी, तो 1 लेंगे तो 3 बन जा 3 आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा। 2 लेंगे n इज इक्वल टू, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, और 4 लेंगे तो 3 4 जा 12, लेना आपको नेचुरल नंबर। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म इसका। इसमें मैंने प्रॉपर्टी के नाम पे मैंने वर्ड्स में लिखा नहीं है इसको, लेकिन इसका मतलब ये कि n इज अ नेचुरल नंबर, आप चाहे तो n इज अ नेचुरल नंबर, एंड ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको वैसा लिखना है तो वैसा लिख दो, और नहीं तो ये ठीक है। बस ये सच दैट वाला साइन आपको दिखाई दे, ये चाहे तो प्रॉपर्टी आप n इज अ नेचुरल नंबर ऐसा लिख लो, या फिर आप इसको n बिलोंग्स टू n लिख लो, ठीक है, समझ में आ रही बात। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई है, इसी को आप अगर आप ऐसा लिखना चाहे यहाँ पर ये वाले n बिलोंग्स टू n के प्लेस पे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा लिख दो और फिर आपका एंड करके ये लिख दो, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और दोनों का मतलब एक ही है। तो ये लिखा है वर्ड्स में और ये लिखा है सिम्बॉलिकली, तो सिम्बॉलिकली भी प्रेफर कर सकते हैं आप और वर्ड्स में भी कर सकते हैं, जो लिखना आपको, एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, n बिलोंग्स टू n और n इज अ नेचुरल नंबर। सर आपने दोनों लिखे थे तो हम भी दोनों लिखेंगे, ऐसा नहीं, एक लिखना आपको कोई भी। सेकेंड वाला है 2, 4, 8, 16, 32, इसको भी ले, ए ही लेके चलो, तो ए लेके चलो, क्या है वो 2, 4, 8, 16 और ये 32, तो अब ध्यान से नंबर्स को देखो, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है अपने को, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा, जरा देख लो, जरा एलिमेंट 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 का टेबल नहीं है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसा नहीं है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 का टेबल नहीं है, लेकिन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो, मतलब ये 2 की पावर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर n, वेयर, हाँ बोलो, n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5, ऐसा है ये। देखो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, क्या 2 की पावर n लिख दिया मैंने, वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं n इज अ नेचुरल नंबर, एंड
एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, लेस देन आर इक्वल टू फाइव. वन रखेंगे एन की वैल्यू तो टू आ जाएगा, टू रखेंगे तो फोर आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो एट आ जाएगा, फोर रखेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा, फाइव रखेंगे तो 32 आएगा. अब इसके बाहर का और कोई भी नहीं आएगा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड लेस देन आर इक्वल टू फाइव. नेक्स्ट वाला देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ए के इक्वल ले लेते हैं सेट को, किसी के भी इक्वल ले सकते हैं हम. 5, 25, 125 और 625 कॉमे लगे हैं ये ऐसा. तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा भैया, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पढ़ते एक्स इज इक्वल टू. अब देखना ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है और ये 5 की पावर 4 है. तो जैसा अपन ने 2 रेस टू द पावर एन लिखे थे ऐसा 5 रेस टू द पावर एन लिख देते हैं. एक्स इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का साइन, एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू कितना, 4 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, कर लो उसको. एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे आप तो 5 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 के लिए 5 स्क्वेयर करेंगे 25 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 के लिए 5 का क्यूब 5 जा 25 5 जा 125 और 5 एन इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो 5 रेस्ट टू द पावर 4 5 इंटू 5 4 टाइम 5 जा 25 5 जा 125 और 5 जा 625. तो ये इसके सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या है, 246 डॉट डॉट है. लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू 246. ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, 3 डॉट्स का मतलब होता है गोज ऑन फॉर एवर और कंटिन्यू इनडेफिनेटली, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा बढ़ता जाएगा. अब इसको देखिए, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हमको. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या दिख रहा है आपको इसको देखो, 2, 4, 6 क्या है ये, 2, 4, 6 डॉट 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 क्या दिख रहा भाई, यस ये है इवन नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी. अब इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं कि कितने तक डॉट डॉट लगाए, तो ये सब इवन नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर है. 2, 4, 6, 8, 10 2 का गैप है इसके अंदर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा आते जाएगा इन्फिनिटी तक आएगा. तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये सब इवन नेचुरल नंबर. ये देखिए एक प्रॉपर्टी लगी हुई है. अब ये इवन नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, इवन आ गए और नेचुरल आ गए. अब इस सेट के बाहर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और नेचुरल. एक है इवन 0 लेकिन वो नेचुरल नहीं है. यही खासियत है सेट बिल्डर फॉर्म की, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहती है. अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए, अब इस सेट के बाहर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो इस प्रॉपर्टी को पजेस करता हो या बिलोंग करता हो इससे. सारे इवन पॉजिट इवन नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ गए. नेक्स्ट वन है फिफ्थ वाला 149 डॉट डॉट 100 ए 149 डॉट डॉट 100 चलो ठीक है वही लिखा है ना 149 डॉट डॉट 100. इसका सेट बिल्डर फॉर्म तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स. अब देखो बेटा ये एक्स क्या दिख रहा, एक वन दिख रहा, एक फोर दिख रहा, नाइन दिख रहा, डॉट डॉट 100. ध्यान से देखो एक ऐसी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं सारे नंबर. वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 और ये 100. इसको एन स्क्वायर लिख दो आप, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ले लो और लेस देन आर इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 10. तो ये सारे नंबर आ जाएंगे. देखो एन के प्लेस पे अगर अपन ने 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, एन के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एन के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये बीच वाले नंबर आ जाएंगे और 10 रखेंगे आप एन के पे 10 का स्क्वायर 100.
तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब क्या करना है कि जो सेट्स लिखे हुए हैं वो देखो, ये सच दैट का साइन आपको दिखता है, इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। अब इसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनाना। एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने का मतलब क्या है? एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने का मतलब लिस्टेड फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलेट करना है अपने को इन्फॉर्मेशन को, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कहने का मतलब ये। चलिए एक एक लेता हूँ मैं इसका। फर्स्ट वाला देखिए, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बड़ी आराम से आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। बताइए ऑड नेचुरल नंबर्स जल्दी। हाँ, 1, 3, 5, 7 और अच्छा चलो डॉट डॉट। हाँ, नेचुरल नंबर बोला उसने, नेचुरल नंबर इन्फिनिट तक जाएंगे, तो 1, 3, 5, 7 और ये 3 डॉट्स लगाने, बस ये हो गया। ये इसका टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म हो गया। या इसका बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है वो एक इंटीजर लेना। इंटीजर पता है आपको कंप्लीट नंबर आता है, हैविंग डिनोमिनेटर 1, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो इसके बीच में चाहिए अपने को इंटीजर। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, डायरेक्ट सीधा यहीं लिख देते हैं। अब देखिए, जो इंटीजर है वो कंप्लीट नंबर आना चाहिए, तो माइनस वन अपॉइंट टू से बड़ा, तो माइनस वन अपॉइंट टू से बड़ा। देखिए मैं एक थोड़ी सी नंबर लाइन बताता आपको, नंबर लाइन से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक जाएगा, इधर -1, -2 ऐसा जाएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा -0.5, यहाँ पे आएगा -1/2। देख रहा -1/2 0 और -1 के बीच में आएगा, और ये 9/2 है, 9/2 मतलब 4.5, ये 9/2। इनके बीच के अपने को क्या लिखना है? इंटीजर लिखना है। तो देखो अब बीच में क्या क्या इंटीजर आ रहे हैं। ये -1/2 से बड़ा चाहिए अपने, तो बड़ी क्वांटिटी इधर होती है, इधर क्वांटिटी छोटी होती जाती है। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर है 0, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 4। ये तो 4.5 है ही, 9/2 मतलब ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो अपन 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिख देते हैं। 0, 1, 2, 3 और ये 4। 5 नहीं आएगा इसमें क्योंकि वो 9/2 से बड़ा हो जाए, अपने को 9/2 से छोटा, 4.5 से छोटा और 0.5 से बड़ा। -0.5 से बड़ा 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, बस ये आंसर हो गया आपका। ऐसा आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या करना है? एक्स एक इंटीजर लेना है और एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? 4 से लेस देन होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्ट लिखा जाएगा नंबर, देखना मैं यहाँ रफ में बताता हूँ। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 है ना, हुआ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 के इक्वल बोला है। अब अगर अपन 3 का स्क्वायर कर दे तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 जो है आपका ये 4 से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन 4। ये वाले आपके लेस देन आर इक्वल टू 4 है, ये भी लेस देन आर इक्वल टू 4 है, ये भी लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो मतलब 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इतना ले सकते हैं। आप नेगेटिव वाली क्वांटिटी भी ले सकते हैं, अपन -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, 4 से छोटा है। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब -3 नहीं ले सकते अपन, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 जो है वो 4 से लेस नहीं होता है, देख रहा। तो क्या क्या लेना पड़ेगा बेटा अपने को? -2, -1, 0, 1, 2 इतने नंबर ले लेता हूँ मैं। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, -2, -1, 0, 1 और ये 2, ये बस इतनी वैल्यू आएगी।
अब ये सारी वैल्यूज जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देख लो आप इसका स्क्वेयर करो आप तो 4 के इक्वल आएगा या 4 से छोटा आएगा। माइनस 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के इक्वल है। माइनस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आ जाएगा, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वेयर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 के। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड का एक लेटर है, ईमानदार वफादार। एल ओ वाई, कैपिटल वाई है, ए, और एल को रिपीट नहीं करना है, एल एक बार आ गया बस हो गए। एल ओ वाई ए जो लेटर्स थे उसको एक एक बार लिख देना है, आपको बीच में कॉमा लगा दी, कोई लेटर को रिपीट नहीं करना। एल दो बार आ रहा है, आपको एक ही बार लिखना है। ई इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, एक्स जो है वो ईयर का मंथ है, हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब जिसमें 31 डेज नहीं होते। अब किस किस में 31 नहीं होते भाई, उनको लिखना है। लिखो जनवरी में तो होते हैं 31, होते हैं ना। फरवरी में कितने होते हैं, कितने थे अभी फरवरी में, फरवरी में कितने थे इस बार 29 थे, क्योंकि ये हाँ लीप ईयर था ये, तो 29 थे। तो फेब लिख देते हैं, फेब्रुवरी, हाँ फेब्रुवरी की बात है। मार्च, मार्च में कितने होते हैं भाई, 31 होते हैं। मार्च के अप्रैल, अप्रैल में 30 होते हैं, अप्रैल लिख लो। जिसमें 31 नहीं होते वो लिखना है। अप्रैल के बाद में मई, मई में 31 होते हैं, मई के बाद में जून में भी होते, सही बोले आप, अप्रैल के बाद में मई, जून, जून, जून के बाद में जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31, सेप्टेम्बर में 30 होते हैं, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के बाद में अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में होते 30, नवंबर, और दिसंबर में 31 है ना। तो ये आ गए भैया आपका फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 से कम डेज हो। एफ इज अ कॉन्सोनेंट, एफ इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विथ विच प्रेसिड्स के, विच प्रेसिड्स के मतलब जो के पहले आते। एक्स आपको कॉन्सोनेंट लिखना है जो वावेल नहीं है, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वावेल है आपके, उसमें ए ई आई ओ यू, और टोटल 26 लेटर है, तो 21 जो लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसमें अपने को के पहले वाले कॉन्सोनेंट लिखना है, के पहले वाले कॉन्सोनेंट, बताओ भाई के पहले वाले कॉन्सोनेंट। ए तो वावेल है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई वावेल है, एफ, जी, एच, आई वावेल है, जे, के नहीं लेना, के पहले वाला बोला, प्रेसिड्स का मतलब होता है उसके पहले, विच प्रेसिड्स के, जो के पहले आ रहे हैं, के पहले आने वाले इतने हो गए, ए बी सी डी एफ जी एच जे, बस हो गए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट, क्या बोल रहे हैं कि मैच करना है आपको ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म, ये लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखे सेट्स, विद द सेम सेट ऑन द राइट Described in SAT builder form, जो SAT builder form को describe करता है। Left side जो है वो roster form को describe कर रहा है, और right side जो है वो SAT builder form को describe कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ को represent करते हैं। On right described in the SAT builder form, same set on the right described in the SAT builder form, इसको match करना है, match देखा तो अपन यहीं पर match कर, 1 2 3 6 रोस्टर फॉर्म, इधर किससे मैच होगा, 1 2 3 6 क्या है, प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 है, प्राइम नंबर तो नहीं है जो कि 6 भी है इसमें, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये भी नहीं है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स ये नहीं है, ये वाला थर्ड वाला देखो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और सब 6 के डिवाइजर है, 1 डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 भी कर सकता है, तो इसको किससे मैच कर दो आप, 1 को आप सी से मैच कर दो भैया, वन को सी से मैच कर दी, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, 2, 3 एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो ए वाले से मैच कर दो इसको,
ए से मैच कर लो, हो गया ए से मैच, यहाँ लिख दो सेकंड किससे मैच हो रहा है, ये ए से है ना। थर्ड वाला देखो, एम ए टी एच ई आई सी एस लेटर्स लिखे हैं, तो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इससे कर दो ये इसको मैच, डी से कर दो इसको, थर्ड को डी से, ये डी से हो गया। और एक बचा आपका लास्ट 13579, तो x इज अ प्राइम नंबर, ये x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, देखो ये ऑड नेचर, वन ऑड है, थ्री ऑड है, फाइव ऑड है, सेवन ऑड है, नाइन ऑड, ये सब ऑड है और नेचुरल नंबर से और 10 से छोटे हैं सब, इसको इससे मैच कर दो, बी वाले से, बी से मैच कर दिए इसको, तो फोर्थ हो गया आपका बी, है ना, ऐसा समझ आ गया आपको, कुछ नहीं था, इधर आपका रोस्टर फॉर्म था, इधर सेट बिल्डर फॉर्म, ओके।